Hello students, good morning. Today I am going to teach you subject English chapter 1 named Every Creature Loves. So look at the board carefully. In the top of the board I have written the head, stay home, stay safe. And why I have written like this, you know that. I mean to say that stay home, stay safe. Because nowadays coronavirus is increasing fastly. That's why we should live in our home and you should live in your home so that you doesn't come in this disease. So stay home, stay safe. This is the first work for you nowadays until the coronavirus doesn't end. Okay, today we'll teach you chapter 1. Every creature loves. Okay students, so listen carefully. When the green woods laughs with the voice of joy. At first I would like to say that we think that creatures doesn't laugh, creatures doesn't eat, but it is not like that. Creatures also laugh. Creatures, I want to say that jo creatures hain wo bhi haste hain, jo jeev jantu hain, jo jeev hain, ped paudhe hain, wo bhi haste hain. इस दुनिया में जितने भी सजीव हैं सभी हंसते हैं, उनके अंदर भी जान है. बट वी डू नॉट थिंक लाइक दैट. वी थिंक दैट वी लाफ ओनली बिकॉज वी स्पीक, वी वीप एंड वी हैव अ साउंड. दैट्स व्हाई व्हेन वी लाफ देयर इज अ साउंड. बट इट इज नॉट लाइक दैट. द ट्रीज, द प्लांट्स, द एयर, एवरीथिंग लाफ्स एज रिटन इन दिस पोएम, इन दिस चैप्टर. Okay, when the green woods laughs with the voice of joy, and means green woods means trees ped paudhe bhi kya karte hain, hanste hain, ve bhi apne jeevan mein khush hote hain, unhe bhi dukh hota hai. Bahut sare log ye sochte hain ki hum ped ko kaatte hain to wo rota nahi hai, agar rota to hame sunai deta hai na. Aur isi ka hum log fayda utha karke aur usse hum log kya karte hain, उसे हम काट देते हैं. हमें ये लगता है या इस दुनिया में सभी लोगों को ये लगता है कि पेड़ को कभी कष्ट नहीं होता है, दुख नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं है. उन्हें भी दुख होता है और उनकी भावनाओं को हमें कदर करना चाहिए, उनकी भावनाओं को हमें समझना चाहिए. यानी कि इस धरती में जितने बेजुबान हैं जो बोल नहीं सकते हैं, हम लोग ऐसा समझते हैं कि उनके अंदर वे कभी रोते नहीं हैं, उन्हें कष्ट नहीं होता है, और ऐसा समझ के उनका हम या तो जान ले लेते हैं या उन्हें मार देते हैं. उनकी पीड़ा को हम नहीं समझते हैं. बट वी डू नॉट, वी शुड नॉट डू लाइक दैट. नेक्स्ट, एंड द डिंपलिंग स्ट्रीम रन्स लाफिंग बाय. वी कैन से दैट जो रिवर है वो भी हंसते हैं, वो भी अपने काम करके हंसते हैं. जब रिवर, नदी का धारा तेज बहता है तो वहां से भी कुछ आवाज आता है. तो ये जो पोएम को जो लिखे हैं विलियम ब्लैक, उनके कहने के अनुसार, उनके कहने का मतलब है कि जो नदी के धारा जब तेज बहती है तो वो भी क्या करती है, नदी का धारा भी तेज बह करके अपनी खुशी का इजहार करती, वो भी हंसती है. When the air does laugh with our merriment, और जब हवा चलता है, जब सुनहरी हवा चलती है तो वो भी क्या करता है, अपना खुशी का इजहार सुनहरी हवा चल करके, या अपना वो हवा जो है सो चल करके, कभी तेजी कभी धीमी से चल करके अपनी खुशी का इजहार करता है. ऐसा विलियम ब्लेक पोएम में लिखे हैं और ऐसा कह करके हमें आपको बतलाने का प्रयास किए हैं ताकि हम एक दूसरे के भावनाओं को कदर कर सकें, उनकी भावनाओं को समझ सकें. नेक्स्ट, एंड ग्रीन हिल लाफ्स विद द नॉइज ऑफ इट. ग्रीन हिल्स हैं जो हरे भरे पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, पर्वत हैं, वे भी हंसते हैं, उन्हें भी प्राउड फील होता है, उन्हें भी हैप्पी फील होता है, वो भी खुश होते हैं. ऐसा नहीं है कि वो खुश नहीं होते हैं. So, हम सभी को एक दूसरे के भावनाओं का कद्र करना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि एवरी क्रीचर्स लाफ्स के आधार पर विलियम ब्लैक जी का कहने का मतलब ये है कि हम सभी को जो बोलने वाले हैं और जो नहीं बोल पाते हैं, जो बोल पाते हैं उनकी भावनाओं का कदर तो करते हैं, करते ही हैं,
क्योंकि उनकी भावनाओं का कदर करना हमारा आपका मजबूरी है, क्योंकि जितना शक्ति आपके अंदर है उतना शक्ति जो और बोल सकते हैं उनके अंदर भी है। लेकिन जो बेजुबान है, जो नहीं बोलते हैं, उनकी भावनाओं का हम लोग कदर करते हैं, बहुत कम करते हैं, जबकि उनकी भावनाओं को हमें कदर करना चाहिए। अगर जो नहीं बोलता उससे भी दुख होता है, दर्द होता है। मुझे ऐसा लगता है कि विलियम ब्लैक जी एवरी क्रिएचर्स लव्स के माध्यम से इस संसार के लोगों को, इस वर्ल्ड के लोगों को ये बात बतलाना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग को भी इस ये जो विलियम ब्लैक जी हैं उनकी बातों को मानना चाहिए, और इस चैप्टर के माध्यम से आपको भी ये सीख लेना चाहिए कि आप भी बेजुबान को कभी कष्ट नहीं देंगे, या हमें भी वैसे जीवों का कदर करना चाहिए जो बोल नहीं पाते हैं, ये असहाय लोगों का, हेल्पलेस पर्सन को हमें और आपको मदद करनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। टुडे इस क्लेवर क्रिएचर्स लास्ट में थ्री पैराग्राफ्स हैं, थ्री पैराग्राफ्स का मैं फर्स्ट पैराग्राफ मैं आज आपको पढ़ाया हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ाऊंगा, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ेंगे अपने घर में रह के अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, अपना काम करेंगे और अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का भी ख्याल रखेंगे और असहाय लोगों का मदद करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, ओके बाय।